हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ जिस स्टॉक की, वो वास्तव में मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है और वो मैं पिछले करीबन 5 साल से इस शेयर को ओन कर रहा हूँ और बीच के अंदर जो है मैंने इसी शेयर्स को सेल भी किया है और एकुमुलेट भी किया है, लेकिन आज भी मेरे जो 5 टॉप पिक्स हैं उसके अंदर जो मेरे पोर्टफोलियो के 5 शेयर्स हैं उनके अंदर ये शामिल है। और बहुत बार आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप कितने शेयर ओन करते हैं। देखिए, मैं कुछ शेयर्स के बारे में आपसे जो है डिस्कशन इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी जो कैपिटल है वो बहुत छोटी है कुछ कंपनीज की जो शेयर्स हैं मेरे पास। हालांकि मेरे पास एक समय के अंदर और मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में जो है 35 से लेकर 50 शेयर्स तक जो है होते हैं और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम स्मॉल और मिड कैप शेयर्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से उन शेयर्स के अंदर जो है रिस्क ज़्यादा होता है, तो 1-2 शेयर्स जो है वो ख़राब होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और जो कुछ शेयर्स जो हैं करीबन 10% के आसपास का जो पोर्टफोलियो है मेरा जो मैं जनरली ट्रेड भी करता हूँ, लेकिन 90% जो पोर्टफोलियो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट के रूप में रहता है। और मेघमनी ऑर्गेनिक्स का जो शेयर है वो मेरे पास जो है काफ़ी समय से है, मैं बता रहा हूँ 5-6 साल से है लगभग। तो मेरा ये जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है तो मैं करीबन जब ये 20 रुपये से थोड़ा नीचे होता था शेयर्स 20 रुपये के आसपास तब से ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है और ये जो शेयर है ये मेरे पास 127 रुपीज़ तक भी मैंने इसके जो है प्राइजेस देखे हैं। हालांकि अभी जो 2017 के बाद इस शेयर्स के अंदर एक जबरदस्त करेक्शन हुई है मार्केट में, जैसे स्मॉलर मिड कैप के अंदर करेक्शन हुई है उसी तरीके से इसमें भी हुई है। अब ये फिलहाल जिन प्राइजेस के ऊपर मुझे लग रहा है क्योंकि मैं इतने समय से जो है इसमें निवेश कर रहा हूँ और इसमें कुछ जो इश्यूज भी थे वो निकल कर आए और मैंने बहुत बार जो है इसके बारे में डिस्कशन आपके साथ किया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस जो हैं अगर YouTube पे अगर आप देखेंगे तो शायद मेरी ही होंगी मेघमनी ऑर्गेनिक्स के बारे में। इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं हमेशा अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ और क्योंकि अब व्यूअर्स मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर अभी जो है शेयर टूटता जा रहा है तो ये क्या करें। देखिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ओनली मैं अपने एंगल से बात कर रहा हूँ, इसको एक एजुकेशनल पर्पसेज समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब जिन प्राइजेस पर आ गया और जितनी बड़ी ये कंपनी पिछले 3 साल के अंदर हुई है उन सभी को देखते हुए मुझे तो ये यहाँ पर क्लियर बाय जो है वो लगता है। हालांकि जो शेयर से 42 रुपीज़ तक जो है यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकता है क्योंकि 42 रुपीज़ के आसपास जो इसमें सपोर्ट बनती है और हो सकता है कि मैं भी कुछ और शेयर्स एक्युमुलेट कर लूँ, ये मैं डिस्क्लोजर के रूप में आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर 42 रुपीज़ के बाद जाता है तो 37 रुपीज़ तक के आसपास इसने काफ़ी टाइम तक जो है ट्रेड किया है और पहले इससे 50 रुपये का जो प्राइस था वो टूटता नहीं था, 52 तक जाता था फिर पलट जाता था, तो मैंने वो उस समय से भी इस शेयर्स को क्लोजली वॉच किया है। पहले उससे पहले 18 से 27 रुपए के बीच में शेयर चला करता था, तो काफ़ी समय से मेरे पास जो शेयर है तो मुझे इसकी जो प्राइस मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी बहुत तो जो जरूर से जरूर पता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला कि 10% के आसपास का जो मेरा पोर्टफोलियो होता है वो जनरली ट्रेड का भी होता है, तो सीधी सी बात यह है मेघमनी का जो शेयर है अब जिन प्राइस पर आ गया जिन वैल्यूएशंस पर आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ये लोअर एंड की तरफ है और यहाँ पर शायद इस शेयर्स के अंदर भी अगले 2020 के अंदर जो है एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मैं इस शेयर्स को अभी जो है 3 से 4 साल और रखने का जो मेरा प्लान है क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्सपेंशन चल रहे हैं वो फ्रूटफुल तभी हो पाएंगे जब अभी मैं इस शेयर्स को 2-3 साल और रखूं। हालांकि इस शेयर से मैंने काफ़ी प्रॉफिट जो हैं वो 2017 में अर्न किए थे, हालांकि अभी मेरे जो एवरेज प्राइजेज हैं वो अभी जो भी प्राइस चल रहा है उससे ऊपर हैं अगर मैं उन प्रॉफिट को क्योंकि वो जो प्रॉफिट्स हुए थे उनको हटा दूँ तो सिंपल सी बात ये है। तो अभी जो जिस प्रॉफिट पे मैं जनरली गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका हूँ तो उसके बाद अगर मैं एडजस्ट करूँ तो जो मेरे प्राइजेज हैं वो इससे थोड़ा सा ऊपर है और तो सिंपल सी बात ये है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर्स है ये अभी नीचे की तरफ जब आया है तो यहाँ पर इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद है और मैं शायद इसको नीचे एक ही बार में तो मैं शेयर्स खरीदूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं धीरे धीरे करके जो है इसमें बाइंग स्टार्ट करूँ। तो देखिएगा, अगर मैं इसकी पी रेशियोज की बात करूँ तो ये जो शेयर्स है अगर इसको पी रेशियो की बात करें तो ये करीबन 12-15 की पी रेशियो से ऊपर ट्रेड करा करता था और अब अगर आप इसकी पी रेशियो देखेंगे तो ये 10 से नीचे पी आ गई और पिछले 7-8 महीने में ये 10 से नीचे की पी रेशियो पर चल रहा है और इसका जो मुख्य कारण है वो इन्होंने अपनी एक जो सब्सिडरी है मेघमनी फाइन कैम उसके साथ एक जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उस रिस्ट्रक्चरिंग में इन्होंने आईएफसी को जो है 800 करोड़ रुपीस की जो है इन्वेस्टमेंट जो थी उनको कैश पे कर दिया था और वो
जो आईएफसी जो वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच थी उन्होंने 200 करोड़ रुपए इनकी फाइन कैम कंपनी में लगाया था, तो इन्होंने उसको 4 times जो है पैसा इनको करके आईएफसी को इन्होंने पे किया था। तो उसके बाद जो कुछ इस तरीके की कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हुई, कुछ शेयर्स जो है बायबैक के अंदर कैंसिल हो गए, जिसके बारे में कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि शायद उनके साथ धोखा हो गया है। और उस चीज को मैंने पीछे जो है वीडियोस में समझाया भी हुआ है, 3 जो वीडियोस है मैंने अकाउंटिंग पर्पजेस से वो भी डाली थी, करीबन 1.5-2 साल पहले की बात है ये। तो वहां से इसे शेयर्स के बारे में इसकी जो है री रेटिंग नीचे की तरफ हो गई और ये शेयर जो है 10 से 20 के नीचे की रेशो पर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके के इनके एक्सपेंशन हैं एग्रोकेमिकल्स के अंदर, बेसिक केमिकल्स के अंदर और क्या नाम है पिगमेंट्स के अंदर और ब्लू पिगमेंट्स के अंदर, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है मानी जाती है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है बेसिकली 3 segments में काम करती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये जो है एग्रोकेमिकल्स बनाती है जो पेस्टिसाइड्स हैं, और करीबन 33% पोर्शन इसी के अंदर है, और 33% जो पोर्शन है इनका पिगमेंट्स और कलर के अंदर है, ग्रीन और ब्लू पिगमेंट्स जनरली ये बनाते हैं, और ब्लू पिगमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है ये। और तीसरी बात जो मैं बात करूंगा, तीसरा जो बेसिक केमिकल्स है कास्टिक सोडा, कास्टिक क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरीके के जो बेसिक केमिकल्स है उनको ये बनाती है, और इसमें भी इनके एक्सपेंशन है। और कंपनी की मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो अगले साल फाइनेंशियल ईयर तक जो है 3,000 crore rupees की जो है सेल करने का है। तो हालांकि अभी ये 2,100-2,200 crore तक की सेल्स के आसपास चले गए हैं, तो अभी ये जो एक्सपेंशन जब निकल कर आएंगे तो उसकी वजह से जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो निकल कर आएगी। हालांकि अभी बेसिक केमिकल्स की जो कंपनी है इनकी मेघमनी फाइन कैम, उसके अंदर जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर्स है, और कुछ जो इन्होंने एक्सपेंशन के लिए डेट दोबारा से लिए हैं उसकी वजह से भी ये जो शेयर्स है इसकी डाउनवर्ड जो है री रेटिंग जो है की गई है। तो जो इसकी डी रेटिंग हुई है उसकी वजह से भी ये शेयर जो है आपको नीचे की तरफ मिल रहा है। लेकिन देखिएगा मेरा कॉन्फिडेंस इस कंपनी के साथ अभी भी बना हुआ है। कंपनी ने हालांकि जो डेट्स हैं वो अपने रिड्यूस किए, लेकिन फिर दोबारा से कुछ एक्सपेंशन के लिए लोन लिए, और प्रॉफिट ग्रोथ 5 years के अंदर 63.875% है, और हेल्थी डिविडेंड पे आउट रेशियो है इसकी। और कंपनी की जो है ग्रोथ अभी 10% के आसपास है पिछले 5 साल में, लेकिन मुझे पता है कि अगले जो नेक्स्ट 3 years है इसके लिए ब्लॉकबस्टर होने की जो संभावना है वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और फिर वहीं पर जो है प्राइजेस जो है निकल कर आएंगे। और मैं इन प्राइजेस को जो भी मार्केट में प्राइस चल रहे हैं स्टॉक मार्केट के, मुझे यहाँ से 5 to 6 times तक के जो प्राइजेस हैं वो मुझे लगते हैं, और इसीलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर्स को रखा हुआ है। हो सकता है देखिए वक्त बताएगा आगे क्या होगा, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मैंने वो आपके साथ जो है शेयर की। अगर पूरे पीएस में भी बात करें तो ये पीएस जो है कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की कंपनी है, तो इसलिए आपको पी रेशो कम मिलेगी। तो ये 1/3 कंपनी जो है केवल अगर मेघमनी ऑर्गेनिक्स है वो एग्रोकेमिकल्स में है, तो इसको एसओटीपी बेसिस पर भी आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर एसओटीपी वैल्यूएशन भी अगर आप इसको करेंगे तो मुझे आज के हालात में भी जो आज की डेट में बाकी इस तरीके की कंपनीज हैं उनको जो पी वैल्यूएशन मिली है, तो इस शेयर का प्राइस कम से कम 80 rupees मुझे लगता है। मैं इस शेयर को डीपली अंडरवैल्यूड मानता हूं, इसीलिए शायद हो सकता है कि मैं इसमें भी और अकोमोलेशन करूं। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो सितंबर के क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे पिछले सितंबर से, तो भी इसने जो है कहीं पर भी कोई परफॉर्मेंस में कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़े से कम होकर आ रहे हैं, और जो है प्रॉफिट मार्जिन जो इनके पास 2018 के अंदर थे या 2017 थे वहां से जो मार्जिन हैं वो थोड़े से कम हो गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हालांकि किसी भी फ्रंट के अंदर जो है मुझे कंपनी के अंदर अभी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर्स नहीं लग रहा है। जो बेसिक केमिकल की वजह से प्रेशर्स जो पूरी इंडस्ट्री पर है उसको ये भी फेस कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो आप अगर पिछले साल की ईपीएस देखेंगे तो 10 rupees की ईपीएस थी, और अगर आपको 48 rupees में शेयर मिल रहा है तो 5 to 6 rupees के 5 to 6 की पी के अंदर इस तरीके का जो शेयर है उसको आपने केवल बेसिक केमिकल की कंपनी मानते हुए इसको मार्केट वैल्यूएशंस दे रही है। तो मुझे इस कंपनी के अंदर जो बेहद ही जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे रिजल्ट्स देगी, और मैं उसी उम्मीद के हिसाब से ये जो शेयर्स हैं वो रखे हुए हैं। अगर आप इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी देखेंगे तो 3 years में 44% की ग्रोथ है, 5 years में 63% की ग्रोथ है, और अगर 10 years में भी ग्रोथ देखेंगे तो 17% है। और कंपनी जो है रेगुलरली डिविडेंड देती है, हालांकि डिविडेंड जो है पे आउट जो है वो कम है। पिछले साल इन्होंने 1 rupee का जो डिविडेंड दिया था, तो अगर उस प्राइजेस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन जो है 2% की डिविडेंड यील्ड बनती है। इसी तरीके से अगर आप बैलेंस शीट के अंदर भी देखेंगे तो जो डेट की पोजीशंस हैं वो 2008 में 209 करोड़ होती थी, ये जनरली वो पैसा था जो आईएफसी से इन्होंने उधार लिया हुआ था। अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर आज की डेट में भी बैलेंस शीट सितंबर में भी देखेंगे तो 630 के जो करोड़ के जो लोन है मार्च 2019 में आपको जो है लोन्स इन्होंने एक तो रीपे कर दिए थे, लेकिन दूसरे लोन ले लिए थे जिसकी वजह से आपको जो लोन्स हैं मार्च 2019 की बैलेंस शीट में 716 करोड़ के जो है नजर आएंगे। सितंबर 2019 में इन्होंने जो डेट्स हैं वो थोड़े से
रीपे की हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म लोग बोरोइंग्स जो है इनकी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट इसको एक रिस्की बेट मानते हुए इस शेयर्स को नीचे की पी रेशियो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की मैनेजमेंट है, जिस तरीके से मैंने इस पिछले 5 साल के अंदर शेयर्स को रखा है, तो मैंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अगर अभी जो शेयर्स है ये एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और क्योंकि मेरे जो एवरेजेस हैं वो मैंने अभी आपके साथ बताया कि अभी जो शेयर प्राइस उससे थोड़े ऊपर की तरफ मेरे एवरेजेस हैं, तो हो सकता है कि मेरे एवरेज प्राइसेस भी नीचे आ जाएं। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो बेहतरीन है देखने के लिए। अगर आप 18 और 19 की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे, जो बिजनेस से इन्होंने पैसा कमाया, 405 करोड़ रुपए के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, 19 के अंदर 375 करोड़ के थे, और ये कंपनी आपको केवल 1200 करोड़ रुपए में मिल रही है, यानी कि 3 times ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये मुझे यहां पर लग रहा है कि डीपली जो है अंडर वैल्यूड है ये शेयर। और इसी तरीके से अगर आप इसकी रेशियोज को भी देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 में और 13 में, 18 के अंदर 30% और 19 के अंदर 33% है। तो किसी भी मायने के अंदर मुझे ये कंपनी जो है कम नहीं लगती। आप में से बहुत सारे लोग जो है ये मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये शेयर्स नीचे आ गए। हां देखिएगा, ये शेयर मार्केट की फितरत है, और मुझे इसलिए लगता है कि ये जो शेयर है अगर यहां पर और भी आपको जो है मौके हो सकता है नीचे की तरफ दें, बट मुझे लॉन्ग टर्म जो है अभी भी मैं शेयर्स के ऊपर जो है बुलिश हूं। मैं ये आपको किसी को खरीदने की जो है सलाह नहीं दे रहा हूं, बट मैं केवल और केवल अपने जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे किन पैमानों पर ये जो कंपनी है ठीक लगती है। मार्केट में सभी शेयर्स नीचे आए हैं और सभी जो स्मॉल और मिड कैप शेयर्स की जो है डी रेटिंग हुई है, तो ये भी उसके अंदर जो है भागीदार रहा। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं हुई है जितने इसके प्रॉफिट्स जो प्राइजेस जितने खराब कर दिए हैं, तो मैं इस शेयर्स पर अभी भी बुलिश हूं। हो सकता है प्राइस एक फिनोमिना है, वो मार्केट जो है इसको देर सवेरे जो है वो देगी ही देगी। और यहां पर आपको प्रमोटर्स का भी कॉन्फिडेंस जो है साफ साफ नजर आएगा मेरे साथ साथ कि देखिएगा सितंबर की में जो होल्डिंग थी 2018 में 47.6% होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, जो दिसंबर 2018 में 48% हो गई, 48.11, जून 2019 के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.19 हो गई है, और सितंबर 2019 के अंदर 50.92, यानी कि 51% तक जो है होल्डिंग सितंबर क्वार्टर तक जो है प्रमोटर्स ने बढ़ा लिया है। तो देखिएगा प्रमोटर्स को भी ये शेयर हमें ऐसा लगता है कि अंडर वैल्यूड लगता है, इसीलिए उन्होंने करीबन 3% की जो होल्डिंग है पिछले एक साल के दौरान जो है वो इंक्रीज की है। तो ये सारी के सारी जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की, उसके बाद आप इसकी रेशियोज के बारे में भी देख सकते हैं। इसकी जो रेशियोज की बात करेंगे तो बेसिक ईपीएस 10 रुपए के आसपास है, कैश ईपीएस तो 15 रुपए के आसपास है। अगर हम ईपीएस में अगर डेप्रिसिएशन पर शेयर जोड़ दे तो बुक वैल्यू के आसपास शेयर मिल रहा है, 45 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पर आपको शेयर अवेलेबल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 82 का है। अगर इसकी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो भी काफी बेहतरीन है। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 14% के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। डेट इक्विटी रेशियो हालांकि अभी थोड़ी ज्यादा है लेकिन फिर भी बिलो 1 है, 0.65 पे है, तो मुझे करंट रेशियो में भी कंफर्टेबल है। कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट असेट्स करंट रेशियो के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड पे आउट हालांकि थोड़ी सी कम लगती है कि कंपनी जो कमाती है उसका केवल 10% ही हमें पे कर रही है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न मेरे को भी जो है होता है कि अगर ये 20% हो जाए तो, लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका मानना है कि अभी कंपनी ना ग्रोथ के अंदर है, तो कंपनी अभी ग्रो करने के लिए जो है आगे बढ़ रही है, इसलिए जो डिविडेंड पे आउट है वो कम है। इसके अंदर एक और कंसर्न जो है मुझे देखने के लिए मिला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है मैनेजमेंट अपनी रेमुनरेशन जो है वो बढ़ा दी है। लेकिन मैनेजमेंट से जब ये इस बारे में बात की जाती है तो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देखिएगा इस तरीके की जो रेमुनरेशन वो बढ़ने का मेन रीजन है कि हमने जो है नए स्टाफ्स को जो है हायर किया है, और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो फैमिली के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अब उनके साथ काम कर रही है मिलकर, और वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसकी वजह से भी जो उनके रेमुनरेशन जो है डायरेक्टर्स के जो रेमुनरेशन है वो आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। अभी ये हो सकता है कि आप इसको जस्टिफाई करें या ना करें, बट जो मैनेजमेंट का मानना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि ब्याज देने से पहले जो प्रॉफिट है वो करीबन 8.5 times है, तो यानी कि यहां पर भी कोई सॉल्वेंसी के जो रिस्क है वो नजर नहीं आ रहे हैं। एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 226 करोड़ रुपीस है। अगर उसमें से डेट की वैल्यू निकाल लें आज की डेट में, तो मुझे अभी भी यहाँ पर ये जो शेयर है इसके अंदर जो वैल्यूएशन जो है वो लगती है, और ये मेरा जो है अपना पर्सनल मानना है और इसीलिए मैंने ये शेयर ऑन किया हुआ है। मैं आप में से किसी भी लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर्स को खरीदिए या बेचिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडर वैल्यूड शेयर है। हो सकता है कि शेयर यहीं पर आपको 6 महीने 8 महीने यहीं पर, या हो सकता है इसके नीचे के भी प्राइसेस मिले, बट मुझे रिस्क एंड रिवार्ड्स के एंगल से ये शेयर्स ठीक लग रहा है, इसीलिए जो है मैंने अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को रखा हुआ है। और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो है अभी भी जो टॉप 5 picks हैं उसके अंदर ये शेयर्स हैं अभी भी, ये मैं डिस्क्लोजर के रूप में आपको बता भी देता हूँ। तो देखिएगा वीडियो देखने से संबंधित आपके कुछ सवाल हो सकते
सकते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। मैं देखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर जो है जवाब जो जनरली नहीं दे पाता हूं, तो इसलिए जो भी मेरी जो वीडियोज आती है उनके माध्यम से जो आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में होते हैं उनके जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनमें से जो भी मुझे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन लगते हैं उनके मैं जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। और कभी कभी जो आपके कमेंट्स होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बारे में जो पर्सनल एक वीडियो के माध्यम से भी आपको जो आपके कमेंट्स होते हैं उनके आंसर जो है देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो है इसको लाइक और जो है थम्सअप आप कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि कोई और इन्वेस्टर्स हैं जो मेघमनी में इन्वेस्टेड हैं तो उनसे संबंधित अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की हो तो प्लीज आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और ऐसे आगे भी वीडियो जो है मैं आपको यूजफुल वीडियोज आपको देता रहूंगा।